स्टूडेंट, इससे पहले हम अप्लाइड या आर्टिफिशियल कंट्रोल है जो, उसके तीन मेथड्स को पढ़ चुके हैं, कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड्स एंड लीगल मेथड्स। आज हम फिजिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये फिजिकल मेथड होता क्या है कि पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हम जो पहले जैसे तीन मेथड पढ़े हैं, तो एक दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट होता है उसको फिजिकल फोर्सेस के थ्रू इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं। इसमें जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को लो या हाई करके हम टेम्परेचर, जो हमारे फिजिकल फोर्सेस है उससे हम उसको किल करते हैं। तो जैसे इंसेक्ट हैं, माइट्स हैं और निमेटोड्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको 5 से 10 मिनट तक अगर हम एक्सपोज करा देंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे और किल भी हो जाएंगे। ऐसे ही फिर हम या तो ये तो हाई टेम्परेचर हो गया, या बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम जैसे फ्रूट्स हैं उनको गोडाउंस में रख दें तो उससे भी इंसेक्ट मर जाते हैं। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अप या डाउन करने से इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम हो जाती है। एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा, जैसे गामा रेडिएशंस होती हैं, गामा रेडिएशंस से भी हम जो इंसेक्ट्स होते हैं, मेल इंसेक्ट, उनको स्टराइल कर देते हैं, और उससे जो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है जो कोबाल्ट 60 है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट का, तो इससे भी हम जो कोक्लोमाइया होमनीवोरेक्स है इसका यूज़ हो चुका है, जो इसकी मेल पॉपुलेशन है कोक्लोमाइया होमनीवोरेक्स की, इसकी पॉपुलेशन को हम जो ये कोबाल्ट 60 है इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हम इसकी पॉपुलेशन को, मेल पॉपुलेशन को स्टाइल कर देते हैं, और इससे भी जो रिप्रोडक्टिव इंटरवेंशन आ जाने से इंसेक्ट जो ये पेस्ट है कैटल्स का, इसका कंट्रोल हो जाता है। फिर नेक्स्ट मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फिजिकल फोर्सेस का यूज़ किया उसमें, और बायोलॉजिकल मेथड्स में हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल एजेंसीज का या बायोलॉजिकल एजेंट्स का। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं इंसेक्ट्स ही होते हैं जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को फीड करने वाले या उनको पैरासिटाइजेशन करने वाले इंसेक्ट होते हैं, या फिर माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं जो नेचुरल एनिमीज का यूज़ करते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड्स में या बायोलॉजिकल कंट्रोल में। नेचुरल एनिमीज में उनके दो तरीके के इंसेक्ट आते हैं, एक तो पैरासाइट्स और पैरास्टोइड्स, और दूसरे प्रीडेटर्स। जो नेचुरल एनिमीज हैं यानी इंसेक्ट जो पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए, उसको नेचर में सप्रेस करने के लिए जो उनके नेचुरल एनिमीज हैं उनको हम यूज़ करते हैं पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, एक तो प्रोटेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ नेचुरल एनिमीज, एनिमल जो नेचुरल एनिमीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। जो हमारी बहुत सारी फील्ड प्रैक्टिसेस हैं, तो फील्ड प्रैक्टिसेस को हम इस तरीके से करते हैं कि उससे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो स्पेशल पेस्ट हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, ताकि उनके जो नेचुरल एनिमल्स हैं वो टोटली किल ना हो जाएं। और फिर हम दूसरा क्या करते हैं, एक तो उनको उन नेचुरल एनिमीज को प्रोटेक्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं फील्ड प्रैक्टिसेस उनके तरीके से करने के लिए, ताकि फेवरेबल रहे, उनकी पॉपुलेशन बनी रहे नेचुरल एनिमीज की, और इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते रहें। फिर दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल एनिमीज हैं वो हमारी कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में है, तो हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक ये तरीका है। इसमें फिर उसको इंट्रोड्यूस करा के कराने के बाद, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियली लैब के में उसके रियरिंग करने की, या तो पहले से टेक्निक डेवलप है तो उसको उसके थ्रू लैब की जो पॉपुलेशन है उसको हमने लैब में आर्टिफिशियली रियरिंग कर लिया है उस नेचुरल एनिमीज को, और फिर हम उसको जो पैरासाइट या प्रीडेटर है
उसको पर्टिकुलर जो पेस्ट है जिसका वो नेचुरल एनिमीज है उस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए क्रॉप में उसको अप्लाई करते हैं। फिर तीसरा है कि हम उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करते हैं, जो नेचुरल एनिमीज हैं उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए हम प्रैक्टिसेस फील्ड पे कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन कंजर्व रहे। सो एक तरीका ये है। तो तीन तरीके हैं, एक तो उसके नेचुरल एनिमीज को प्रोटेक्ट किया जाता है फील्ड प्रैक्टिसेस के थ्रू, फिर उनको इंट्रोड्यूस करके लैब में उनको प्रोड्यूस किया जाता है, मास प्रोडक्शन किया जाता है उनका, और उनको फिर फील्ड पे अप्लाई किया जाता है। तीसरा, फिर उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व किया जाता है ताकि वो पॉपुलेशन को कंजर्व करने से वो हमारी फील्ड पे बनी रहे, और फील्ड पे बनी रहेगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो पेस्ट को कंट्रोल करते रहेंगे। सो ये नेचुरल एनिमीज में आते कौन कौन से हैं, पैरास्टोइड आते हैं, प्रीडेटर्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। तो अगर देखें जो पैरास्टोइड्स होते हैं, पैरास्टोइड्स वो पैरासाइट होते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देते हैं नेचर में, एनवायरमेंट में विद्यमान रहते हैं ये, लेकिन कई बार इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है या वो वहाँ पर नहीं आते हैं तो हम इनको आर्टिफिशियली फील्ड पर अप्लाई कराते हैं। बायकंट्रोल का मेन यही वर्क है कि बायकंट्रोल एजेंट्स जो हैं वो जो एफिशिएंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं उनको लैब में उनको मास प्रोडक्शन कराना, और लैब में मास प्रोडक्शन अप्लाई करने के बाद हम उसको फील्ड पे अप्लाई कराना। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जो लैब होती हैं वो ये टेक्निक उनको डिवाइस कराती हैं जो साइंटिस्ट होते हैं। और फिर उसके बाद इसको इसमें तीन तरीके के पैरास्टोइड्स होते हैं, एक पैरास्टोइड होते हैं, फिर जो सिर्फ जो इंसेक्ट पेस्ट है उसकी एक स्टेज को ही पैरास्टेशन करते हैं, यानी पैरासाइट्स विच आर सोलली पैरास्टाइजिंग टू द एग स्टेज ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट आर कॉल्ड एग पैरास्टोइड। और फिर दूसरे होते हैं लार्वल पैरास्टोइड। लार्वल पैरास्टोइड क्या होते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट की लार्वल स्टेज पे ही पैरास्टाइजेशन करते हैं। फिर तीसरे होते हैं प्यूपल पैरास्टोइड, जो प्यूपा पे ही पेस्ट की जो प्यूपल स्टेज है उसी पर ही वो पैरास्टाइजेशन करते हैं। तो तीन डिस्टिंक्ट पैरास्टोइड्स होते हैं, तो हमको पता रहना चाहिए जब हम फील्ड पर एप्लीकेशन करते हैं कि एग स्टेज किस टाइम होती है उस पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट की लाइफ साइकिल में। तो जब वो एग स्टेज में है फील्ड में तो तब हम उसमें एग पैरास्टोइड यूज करेंगे। अगर वो एग पैरास्टोइड से वो अगर वो एग स्टेज से इंसेक्ट पेस्ट लार्वल स्टेज में पहुंच गया है और उसके बाद हम एग पैरास्टोइड को यूज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव इन दैट केस। और पता लगा एग स्टेज है इंसेक्ट पेस्ट की, हम वहां पर लार्वल या प्यूपल पैरास्टोइड यूज करें उसी स्पीसीज में, देन उस इंसेक्ट पेस्ट को लार्वल और प्यूपल पैरासाइट उसकी एग स्टेज को पैरास्टाइजिंग नहीं करेंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जो पैरासाइट है उसकी स्पेसिफिक जो जिस स्टेज के लिए है, सो फील्ड में वो स्टेज है तभी स्टेज के अकॉर्डिंग ही हम पैरासाइट्स का यूज करेंगे। और ये हमको बायकंट्रोल लैब जो अवेलेबल है उनसे मिल जाते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के आपको स्लाइड्स में वेरियस बायकंट्रोल एजेंट दिख जाएंगे। पहला ये ट्राइकोग्रामा है जो येलो कलर का एग है, बहुत ही छोटे एग होते हैं इंसेक्ट के, 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं कई बार। तो ये इतने छोटा एग है और छोटे एग के ऊपर ये पैरासाइट बैठा है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्स होते हैं कई बार, या बहुत ही हल्के से हमको दिखेंगे, हल्का सा एक डॉट जैसे, और उसके ऊपर ये इंसेक्ट बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसेक्ट भी कितना छोटा होगा। तो ये लगभग अगर ये एग 2-3 मिलीमीटर का है तो ये इंसेक्ट इससे भी छोटा है। तो ये बहुत माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं ट्राइकोग्रामा। और फिर ये दूसरा चलसीडीडी फैमिली होती है हेमनोप्टेरा में, जो हनी बी का ग्रुप है उसी में बहुत छोटे होते हैं, ये अलग हनी बी से अलग होते हैं लेकिन उसी ऑर्डर में आते हैं। आपको एक दिन हेमनोप्टेरा ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें ये जो प्यूपा है बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई ये प्यूपल पैरास्टोइड है, पहले वाला एग पैरास्टोइड है, दूसरा प्यूपल पैरास्टोइड है, और ये तीसरा जो है ये लार्वल पैरास्टोइड है। तो आप ये देखिए एक नोमोनिड वास्प है, ये लार्वा को पैरास्टाइट कर रही है। फिर ये आप देखें तो ये व्हाइट कलर के कोकून्स जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन लार्वी पे, ये ब्रैकोनिड के कोकून्स हैं, जो ब्रैकोनिडी एक फैमिली होते हैं हेमनोप्टेरा में, बी वाले ग्रुप में ही, तो ये लार्वा को ही पैरास्टाइज करते हैं।
और ये बहुत सारे पैरासाइट्स दिखा रखे हैं। फिर आपको जो नीचे की स्लाइड है जिस उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें कोकून्स हैं, तो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इसमें एक एपेस्टोइड है, पहली पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में देखा आपने ऊपर वाली रो में कि इसमें एक प्यूपल पैरासाइट है, चलसीडीडी फैमिली का है, और तीसरे में ये जो देख रहे हैं आप, ये तीसरा फर्स्ट रो में ये तीसरा है, ये लार्वल पैरास्टोइड है। तो ये सब हाइमनोप्टेरा ग्रुप के अंदर में आते हैं, बी वाले ग्रुप के अंदर में पैरासाइट्स, और बी वाले ग्रुप में ही ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, लेकिन बी से अलग होते हैं वो। जस्ट ब्रॉडली आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि याद रहे, लेकिन उससे बहुत अलग होते हैं। बी तो बहुत बड़ी होती है, ये पैरासाइट बहुत छोटे होते हैं। और फिर दूसरी रो में देखें तो ये ग्रीन कलर का लार्वा है ये, और इसके ऊपर ये व्हाइट कलर के कोकून्स जो फॉर्म किए हैं, ये ब्रैकोनिडी हेमनिप्टेरा में ही एक फैमिली होती है, उसमें ये लार्वा को पैरासिटाइज कर रही है। फिर ये बहुत सारे आप दूसरी रो में बीच वाला जो पिक्चर है इसमें देखेंगे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं अलग अलग फैमिली के। ये देखिए जो नीचे वाला है इसका ओपोजिटर कितना बड़ा है, जिससे वो जो उनका होस्ट होता है उसमें पैरासिटेशन करते हैं। फिर ये जो बहुत सारे इधर प्रिजर्व किए हुए हैं, ये कार्ड्स के ऊपर माउंट किए हैं, ये पैरासाइट्स हैं। और अब नेक्स्ट देखें तो ये प्रीडेटर्स हैं। आप देखें तो इसमें पहला जो है इसको बोलते हैं ग्रीन लेस विग, जो फर्स्ट रो में है और लेफ्ट साइड में। फिर दूसरा पेइंग मेंटिस है, ये देखिए फीडिंग कर रहे हैं, और ये रेड विडी बग है तीसरा फर्स्ट रो में, ये किसी दूसरे इंसेक्ट के ऊपर फीडिंग कर रही है। तो जो पैरासाइट और प्रीडेटर जो होते हैं उनमें अंतर क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पूरा वो एक इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसमें पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उसमें एक इंसेक्ट में पूरी अपनी लाइफ साइकिल को उसमें पूरा नहीं करते हैं, उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे इंसेक्ट्स को डिवोर करते हैं। तो ये मेजर ब्रॉडवे में आप समझे कैसे समझे मैं आपको बता दिया है। पैरासाइट आप जानते हैं, पैरासाइट एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जो पहले मैंने आपसे इससे पहली स्लाइड में दिखाया वो सब पैरासाइट थे और इस स्लाइड में सब प्रीडेटर्स हैं। तो आपने पहली रो में देख लिया है तीन। फिर दूसरी रो है जो इसमें ये देखिए जो लेडी बीटल होता है, लेडी बीटल का ये ग्रब है, ये बग्स है कोई, ये मिली बग होगा या स्केल इंसेक्ट है, उसके ऊपर ये फीडिंग कर रहे हैं। फिर ये सेकंड रो में बीच वाली जो पिक्चर है इसमें येलो कलर के जो आपको छोटे छोटे से इंसेक्ट दिख रहे हैं ये एफिड्स हैं। एफिड्स के ऊपर बहुत सारे, जो एक दिन मैंने आपको डिप्टेरा की जो बताया था उसमें कहा था कि जो होवर फ्लाइज होती हैं, होवर फ्लाई के जो मैगेट होते हैं वो प्रीडेटरी नेचर के होते हैं। तो ये प्रीडेशन कर रहे हैं एफिड्स के ऊपर, एफिड की कॉलोनी के अंदर ये फीडिंग कर रहे हैं एफिड्स को, और एक दिन में बहुत सारे एफिड्स को फीड करते हैं। तो ये इस तरीके से बाय कंट्रोल एजेंट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और फिर ये आप देखें बहुत सारी ये होवर फ्लाइज दिखा रखी हैं, जो ये कॉलोनीज में छोटे छोटे से आपको लार्वी दिख रहे हैं, तो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं इसमें बीच वाली पिक्चर में, और फिर इसमें बीच में ये जो आपको मैगेट्स जैसे दिख रहे हैं व्हाइट जैसे हेरी बीच वाली पिक्चर में, ये होवर फ्लाई के मैगेट्स हैं। ये तीसरी पिक्चर है जो बीच वाली जो स्लाइड है इसमें बहुत सारी आपको जो फ्लाई जैसी दिख रही है होवर फ्लाईज हैं, जो रंग बिरंगे येलो बैंड लिए हुए छोटे छोटे से बहुत सारी इसमें जो एक कोलाज टाइप का बना है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं सारी होवर फ्लाई हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं। तो मैं आपको बताने के लिए ये पोलिनेटर्स का काम करते हैं ये फ्लाइज, और जो उसके मैगेट्स हैं वो एफिड का कंट्रोल करते हैं, जो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं उनके ऊपर ये फीडिंग करते हैं। अभी सबसे नीचे आप देखेंगे एक बिटिल दिख रहा है आपको, ये बिटिल ये लेडी बग है। ऊपर की तरफ आपने इससे जस्ट ऊपर जो सेकंड रो में फर्स्ट पिक्चर है ये इसका ग्रब है और नीचे अडल्ट है। तो दोनों ही ये प्रीडेटर्स होते हैं और सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट के ऊपर फीडिंग करते हैं। तो आपने देख लिया सब प्रीडेटर्स हैं, और प्रीडेटर्स डायरेक्टली इंसेक्ट को डिवोर करता है और अपनी एक लाइफ साइकिल में पूरी बहुत सारे इंसेक्ट को खाते हैं। तो जबकि जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल एक ही इंसेक्ट के अंदर पूरी लाइफ साइकिल को, वो पूरी लाइफ साइकिल उनकी एक ही इंसेक्ट के अंदर रहती है। तो दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक्टो और एंडो, वो आप जानते ही हैं, और प्रीडेटर्स डिवोर करते हैं इंसेक्ट को।
बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, पैरासाइटिक और प्रीडेटरी इंसेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, ये इसमें आप स्लाइड में आपको दिखा हुआ है। जैसे कोटनीक्यूसन स्केल होता है जो सिट्रस में लगता है, इसको आइसेरिया प्रकासी प्रचाजी बोलते हैं। और ये रोडेलिया कार्डिनलिस, ये लेडी बग होता है, लेडी बीटल होता है जो प्रीडेटर होता है, रोडेलिया कार्डिनलिस इसको कंट्रोल करता है, इसकी जो निम्फल स्टेज होती है उनको फीडिंग करके आइसेरिया प्रकासी की। और फिर दूसरा है एप्पल वुल एफिड, एप्पल वुल एफिड जिसको हम इरियोसोमा लेनिजेरम बोलते हैं, ये वूली मतलब इसमें बहुत सारे हेयर, व्हाइट हेयर स्ट्रक्चर जैसे रहते हैं, इसकी बॉडी पे वैक्स सेक्रेशन होता है, तो वैक्स सेक्रेशन ये करता है अपनी बॉडी के ऊपर। और इसको कंट्रोल करने के लिए एफिलिनस माली एक हेमिप्टेरन पैरासाइट है, वो यूज करते हैं, एफिलिनस माली को ये इसको फीडिंग करता है। और फिर ऐसी सुगर सुगर केन पायरीला होता है, स्नाउटेड होपर होता है एक पायरीला परपुशीला, इसको कंट्रोल करने के लिए फल्गोरेशिया मिलेनोल्यूका। ये फल्गोरेशिया मिलेनोल्यूका ये बटरफ्लाई वाले ग्रुप का होता है, बटरफ्लाई वाले ग्रुप में ज्यादातर पेस्ट होते हैं, लेकिन ये फल्गोरिया मिलेनोल्यूका है, यही एक ऐसा फैमिली है इसकी, या ये ऐसा स्पीसीज है जो बायकंट्रोल एजेंट का काम करता है। तो ये पैरास्टाइजेशन करता है पायरीला परपुशीला में फल्गोरेशिया मिलेनोल्यूका, इसको एप्रिकैंडिया मिलेनोल्यूका भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली मौत होते हैं फल्गोरेशिया मिलेनोल्यूका, सो लेकिन ये यहाँ पर पैरास्टाइजेशन करते हैं। ये फैमिली जो इसकी आती है इपीपायरेपिडी, तो ये आप देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसका साइंटिफिक नाम डालें तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर सुगर केन टॉप बोरर जो होता है, सुगर केन टॉप बोरर को हम बोलते हैं सिर्पोफैगा इंसर्टुलस, इसको कंट्रोल करने के लिए गैम्ब्रोइड्स जावेंसिस यूज करते हैं। तो जो सुगर केन टॉप बोरर है, ये जो सुगर केन होता है उसकी जो टॉप वाली ऊपर लीफ जो होती है, क्योंकि काफी ये बड़ी क्रॉप होती है, तो इसमें इंसेक्टिसाइड छिड़कने के लिए भी ऊपर क्रॉप में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर ये जो गैम्ब्रोइड्स जावेंसिस है काफी इफेक्टिव है, और ये बायकंट्रोल लैब में अवेलेबल भी रहता है। तो इक्निमोनिडी फैमिली में आते हैं हेमिप्टेरा में। कॉटन बोलवर्म्स ये कंट्रोल किए जाते हैं ट्राइकोग्रामा ये काइलोनिस से, ये अवेलेबल रहते हैं बायकंट्रोल लैब्स में। और ये बहुत छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको, एग पैरास्टोइड होते हैं ट्राइकोग्रामा काइलोनिस, और इनको लगभग 2,50,000 अडल्ट पर हेक्टर इनको यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है फील्ड पे। ये एक ट्रैक कार्ड्स मिलता है बायकंट्रोल लैब से, तो वो एक जो कार्ड होता है उसमें एक कार्ड में लगभग 20,000 एग्स रहते हैं, तो आप समझ लीजिए इतने, अगर आपको 2,50,000 अडल्ट पर हेक्टर के हिसाब से अगर यूज करना है तो कितने कार्ड्स लगेंगे। फिर टोबैको कैटरपिलर बाय एग पैरास्टोइड, तो ये एग पैरास्टोइड कौन सा है, टेल्योनोमस रेमस, ये सेलियोनिडी फैमिली का है, ये भी हेमिप्टेरा है अगेन, और ये टोबैको कैटरपिलर एक वेजिटेबल का पेस्ट होता है, पोलीफेगस पेस्ट है, इसमें एग पैरास्टोइड होता है टेल्योनोमस। फिर दूसरे बायकंट्रोल एजेंट हैं अगर आप देखें थ्रू इंसेक्ट डिजीजेस, तो माइक्रोबियल जो एजेंट्स होते हैं वो डिजीज क्रिएट करके इंसेक्ट पेस्ट में उनको कंट्रोल करते हैं। तो पहले हम जैसे देखें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में देखें बैसिलस थुरिंजेंसिस, तो जो बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया होता है ये सोयल में रहता है, सोयल इनहेबिटिंग होता है, और ये बहुत सारी लेप्टोप्टेरस जो लार्वी होते हैं उनमें इन्फेक्शन करके उनको किल कर देता है। तो इसी को हमने जो बीटी कॉटन में मैंने बताया था, इसके जीन को हमने, जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है बीटी का, बैसिलस थुरिंजेंसिस का, उसको हमने बीटी कॉटन में इंट्रोड्यूस करा दिया है, एक जो उसकी ट्रांसजेनिक वैरायटी है उसमें, और हम उस जीन को एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कराने के लिए यूज कर रहे हैं उन वैरायटीज में कॉटन की। सो अब हम बात करें, लेकिन ये वैसे भी मिलता है, और इसको हम जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम एडिबल वाली है, क्योंकि इंडिया में हम यूज नहीं करते हैं बहुत सारी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को जो एडिबल हैं, उसके केस में हम बैसिलस थुरिंजेंसिस की दूसरी फॉर्मुलेशंस भी आती हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। जैसे बैसिलस थुरिंजेंसिस वैरायटी कस्टाकी, ये जो कस्टाकी स्ट्रेन है ये अवेलेबल है, ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल है इसकी, वाटर डिस्पर्सिबल
फॉर्मुलेशन टू कंट्रोल हेलिकोरपा, ल्यूटेला, स्पोडोप्टेरा, इरियास, स्पाइलोसोमा, एमसेक्टा, एग्रोटिस एंड लाइमेंटेरिया। तो इतने सारी लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट हैं जो हेलिकोरपा है टोमेटो में नुकसान पहुंचाता है, ल्यूटेला है ये कैबेज में नुकसान पहुंचाता है, या जो कुर्सी फेरस वेजिटेबल्स हैं उनमें नुकसान पहुंचाता है, ब्रैसिका जो जीनस वाली है, और स्पोडोप्टेरा जो है ये वेजिटेबल पेस्ट है, ये भी इरियास ये कॉटन में पेस्ट है, और जो स्पाइलोसोमा है ये भी पोलीफेगस है और कई सारी क्रॉप्स में नुकसान पहुंचाता है, और एमसेक्टा जो है एमसेक्टा ये उसमें ग्राउंडनट का पेस्ट है, एग्रोटिस ये वेजिटेबल का पेस्ट है। तो ऐसे ही इनको हम यूज कर सकते हैं जो बीटी कस्टा की स्ट्रेन है, और इसकी जो डोज है वो 0.5 से 1 केजी पर हेक्टर हम यूज करते हैं, तो मार्केट में अवेलेबल रहता है, लेकिन इसकी जो कस्टा की स्ट्रेन है वही इनके लिए इफेक्टिव होगी। और ये वाटर डिस्पर्सिबल फॉर्मुलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 0.1 से पर 0.1 से 1 केजी पर हेक्टर इसको लेंगे, और इसको हमारे फील्ड में कितना वाटर चाहिएगा उसके साथ मिक्स करके हम इसको स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे करने से जितना भी उसमें लार्वी होंगे सब लार्वी बैसिलस थुरिंजेंसिस उनको इन्फेक्शन कर देगा, और इन्फेक्शन करने से वो सारे इंसेक्ट पेस्ट जिस जो ये लिखे हैं इनके लिए इफेक्टिव होगा ये, तो उनको वो किल कर देगा। सो ऐसे हम ट्रांसजेनिक क्रॉप के थ्रू भी हम इसको यूज करते हैं बीटी का, और हम डायरेक्टली इसकी फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा इंसेक्टिसाइड है दूसरे इंसेक्टिसाइड्स की अपेक्षा, लेकिन ये बायोपेस्टिसाइड है, तो इसका ये ऑर्गेनिक जब हम एग्रीकल्चर करते हैं उसमें बीटी ही रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि हम वहाँ पर केमिकल्स यूज नहीं कर सकते, और केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स का आपको पता ही है कितना उनसे नुकसान पहुँचता है। सो फिर दूसरा माइक्रोबियल जो कंट्रोल एजेंट है वो है बैसिलस पेपिली। बैसिलस पेपिली भी इफेक्टिव है किनमें, वाइट ग्रब्स में, जो कुरमुला होता है, कुरमुला में होलोट्राइकिया कंजनजूनिया, होलोट्राइका सेराटा और ल्यूकोफोलिस लेपिडोफोरा, ये जो तीन वाइट ग्रब्स है कुरमुला की स्पीसीज हैं, ये इनके इनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है बैसिलस पेपिली, तो इनमें मिल्की डिजीज कर देता है, और मिल्की डिजीज करने से इनको किल कर देता है। तो ये सब ये बैक्टीरिया है, एक आपने बैसिलस थुरिंजेंसिस पढ़ा और दूसरा है बैसिलस पोपिली। क्योंकि आपके कोर्स में बहुत सारी डिटेल नहीं है तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ आपको। फिर दूसरा है वायरसेस, तो आप देखें तो बैक्यूलो वायरसेस भी हैं, बैक्यूलोविरिडी फैमिली में आते हैं, और जो इस बैक्यूलो वायरसेस हैं इसमें दो तरीके के वायरस हैं, एक तो न्यूक्लियर पोलीहेड्रो वायरसेस एनपीवी बोलते हैं इनको, और दूसरा ग्रैन्युलोसिस वायरसेस। जो न्यूक्लियर पोलीहेड्रो वायरसेस हैं तो इनको जो हम इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फिगर देखते हैं तो उसमें जो वायरस है उसके ऊपर, जैसे अभी हम ये हमारा कोरोना वायरस है इसमें क्राउन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो ऐसे ही इसकी जो वायरस की बॉडी है तो उसमें कुछ बहुत सारे हेड टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, तो उसी कारण से पोलीहेड्रोवायरसेस बोलते हैं इनको, न्यूक्लियर पोलीहेड्रोवायरसेस। और ये काफ़ी इफेक्टिव है अगेन लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के लिए, कई सारे एनपीवीज को हमने फॉर्मुलेशन उनकी बना दी है, जैसे हेलिकोर पार्मिजेरा आपने पीछे पढ़ा है पिछली स्लाइड में, उसमें हेलिकोर पार्मिजेरा के लिए बैसिलस थुरिंजेंसिस का यूज किया, तो यहाँ पर हम एनपीवी भी यूज कर सकते हैं, ये वायरसेस हैं, और दूसरा स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा एनपीवी भी है, और उसके लिए लेकिन आप जब एनपीवी हेलिकोरपा आर्मीजेरा का जो एनपीवी है वो हेलिकोरपा के लिए वर्क करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक वायरसेस हैं और स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा में वो वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही फिर बोस स्पाइलोसोमा के लिए एनपीवी है, न्यूक्लियर हाइड्रो वायरसेस जो है वो स्पाइलोसोमा के लिए भी है, एकाइया जेनाटा के लिए भी है, एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा के लिए भी है, ग्राउंड नेट का पेस्ट है एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा एकाइया जेनाटा और ये स्पाइलोसोमा, ये सब पोलीफेगस है। सो ये सब एनपीवी जो होते हैं इनको आप इनकी फॉर्मूलेशन को यूज कर सकते हैं, इनकी आपको मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, और ये बायोपेस्टिसाइड है, बहुत अच्छा इफेक्टिव इनका रोल रहता है कंट्रोल करने में, और ये बिल्कुल क्रॉप के जो इंसेक्ट हैं उन्हीं को इफेक्ट करते हैं, दूसरे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को ये इफेक्टिव दूसरे को किल नहीं करेंगे ना, तो फिर ये जो मैमल्स को तो किल करेंगे ही नहीं, इवन दूसरे जो इंसेक्ट हैं जो इससे अलाइड इंसेक्ट हैं उनके ऊपर भी इफेक्टिव नहीं है, जैसे हेलिकोरपा और स्पाइलोसोमा
सॉरी ये हेलिकोरपा और स्पोडोप्टेरा दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, लेकिन इनके भी अलग अलग एनपीवी हैं। तो ये बहुत ही हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक एनपीवीज हैं, और इनका अगर ये अवेलेबल रहते हैं तो हमको इनको प्रायोरिटी करना चाहिए। थोड़े महंगे रहते हैं इसी कारण से, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव हैं। फिर ग्रैन्यूलोसिस वायरसेस, जो ग्रैन्यूलोसिस वायरसेस होते हैं ये भी कई सारे पेस्ट के लिए अवेलेबल हैं, जैसे अकाया जेनाटा, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, हेलिकोर पारमिजेरा, काइलो इन्फस्कटेलस। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि जो हेलिकोर पारमिजेरा पे जब ये एनपीवी का इन्फेक्शन हो जाता है तो इनमें ये डिजीज क्रिएट कर देता है, और ये अपसाइड डाउन ऐसे लटक जाते हैं। सिम्टम है जितने भी एनपीवी होते हैं, देखा गया है कि उनका इन्फेक्शन होने से जो लार्वी होते हैं वो लार्वी अपसाइड डाउन इस तरीके से हैंग हो जाते हैं पेड़ के ऊपर। तो अगर आपको क्रॉप में, या आप बता सकते हैं किसी को जो पेस्ट मैनेजमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं उसको, या आपके को वैसे भी आपको जानना चाहिए कि अगर इस तरीके से आपको फील्ड में दिख रहे हैं कुछ इंसेक्ट जो इस तरीके से पेस्ट है, इस तरीके से अपसाइड डाउन लार्वी हैंग हो रहे हैं, तो ये एनपीवी का पिकुलर उसकी डिजीज का पिकुलर कैरेक्टर है। और आप ऐसे लार्वी को आप ग्राइंड करके, आप इसको और इसको पानी में मिक्स करके अगर आप इसको फील्ड पे छिड़क दें तो ये भी इक्वली काम करेगा। तो एक बार आप इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं इनको। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू फंजाई, बहुत सारे फंजाई भी अभी तक आपने देखा बैक्टीरिया में, और वायरसेस एनपीवीज देखे आपने वायरसेस में, बैक्टीरिया में बैसिलस थुरिंजेंसिस, बैसिलस पोपिली देखा है। ऐसे ही अब थ्रू जो बायोलॉजिकल कंट्रोल पर्टिकुलरली माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं उसमें फंजाई भी कई सारे इम्पोर्टेंट हैं इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें एंटमो पैथोजेनिक फंजाई हैं, इनको जो ऐसे फंजाई होते हैं जो इंसेक्ट को किल करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को यूज होते हैं, या उनको हम एंटमो पैथोजेनिक फंजाई बोलते हैं। तो इसमें कई सारी फैमिली हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज है, इसमें एंटमो पथोरा जो है, एंटमो पथोरा बहुत ही अच्छा मतलब इफेक्टिव इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फिर ऐसी एस्कोमाइसिटीज हैं, बेसिडियोमाइसिटीज हैं, ड्यूटरमाइसिटीज हैं। ड्यूटरमाइसिटीज काफ़ी यूज हो चुके हैं, जैसे एस्परजिलस, ब्यूवेरिया बेसियाना, ये ब्यूवेरिया बेसियाना भी यूज होता है वाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए, और मेटारिजियम और स्पाइकेरिया। तो ब्यूवेरिया और मेटारिजियम ये काफ़ी, और एंटोमोपथोरा, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फंजाई है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये हम देख सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट इन्फेक्टेड विद एंटोपैथोजेनिक फंजाई। तो ये एफिड है, एफिड इन्फेक्टेड विद ब्यूवेरिया बेसियाना। तो एफिड को इन्फेक्शन कर दिया, ये लार्वी है। तो लार्वी जनरली जब कोई फंजाई इन्फेक्शन कर देता है, कोई फंगस इन्फेक्शन कर देता है, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना का इन्फेक्शन आप देखेंगे तो ममीफाइड हो जाते हैं इंसेक्ट, एकदम हार्ड जैसे स्टक हो जाएंगे। जबकि जो बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया से होते हैं या वायरस से होते हैं, वो थोड़ी उनकी बॉडी हार्ड नहीं होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया, जो फंजाई है, फंजाई के केस में जो बॉडी इंसेक्ट की है वो एकदम ममीफाइड और थोड़ी हार्ड जैसी होती है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप इसको टच करें या किसी नीडल से आप टच करें तो ब्रिटल इनकी बॉडी हो जाती है। इससे हम पहचान सकते हैं अगर आपको फील्ड पे कोई इंसेक्ट इस तरीके का दिख रहा है कि फंगस से ये इन्फेक्टेड है। तो ऐसे ही ये बेवेरिया का या मेटारिजियम का यूज करके हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एंटोपैथोजेनिक फंजाई में जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना इन्फेक्ट करता है होलोट्राइकिया सेराटा को, ये अगर अवेलेबल होता है तो हम इसको इस वाइट ग्रब के लिए, इस कुरमुला के लिए यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही मेटाराजियम एनिसोपिली इन्फेक्ट सुगर केन पायरीला, जिसके लिए सुगर केन पायरीला के लिए हमने एप्रिकैनिया मेलानोल्युका को यूज कर रहे थे, तो उसके अलावा हम इसको मेटारिजम एनिसोपिली को भी यूज कर सकते हैं, और रिनोसेरस बीटल के ग्रब के लिए भी मेटारिजम का यूज किया जाता है। और एंटोपोथोरा है ग्राइली, एंटोपोथोरा ग्राइली क्या, ये ग्रास ओपर के ऊपर यूज होता है, ग्रास ओपर को कंट्रोल करने के लिए। फिर ऐसे निमेटोड्स भी हैं कई, जो एंटोपैथोजेनिक निमेटोड्स हैं। सो इसमें जैसे पर्टिकुलरली रैबिटिड्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया फॉर्मिंग ए डिजीज कॉम्प्लेक्स। तो ये बैक्टीरिया के संग मिलके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं और उसे डिजीज क्रिएट कर देते हैं इंसेक्ट में। तो जैसे डिजीज कॉम्प्लेक्स ओन इन कैटरपिलर्स ऑफ कोडलिंग मोथ, ये कोडलिंग मोथ जो है यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइडिया पोमेनेला, और
और इंडिया में जैसे राइस और शुगर केन बोरर्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, तो उसकी फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है जैसे DD-136। इसमें नियोप्लेक्टाना, कार्पोकैप्सी और ये दूसरा जो है ये बैक्टीरिया है एक्रोमो बैक्टर निमेटोफाइलस, तो इनका कॉम्बिनेशन है ये इन दो ऑर्गेनिज्म का। इसको मिला के DD-136 एक फॉर्मुलेशन बनाई है, ये बायोपेस्टिसाइड है। तो DD-136 जो है इसको हम यूज कर सकते हैं राइस और शुगर केन बोरर्स जो लेप्टोप्टेरेन इंसेक्ट हैं, ये पेस्ट हैं। अगर इनका हो तो आप इनका इन्फेस्टेशन हो रहा हो तो आप इनको यूज कर सकते हैं। दो टर्म होते हैं, एक इन्फेक्शन एक इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन हम यूज करते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स से डिजीज हो जाती है, सो वो कंटेजियस नेचर के होते हैं और उनसे डिजीज हो जाते हैं। तो उसके केस में हम जो माइक्रोब्स होते हैं सिंपली उनके केस में इन्फेक्शन का यूज करते हैं। और जो फिजिकली फीड करते हैं जैसे इंसेक्ट हैं, वो ऐसे इन्फेक्ट अगर आप एक इंसेक्ट को दूसरे इंसेक्ट पर करें तो कोई ऐसा वो कंटेजियस तो नहीं है, तो ऐसी टर्म इसको हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं। तो दो टर्म है इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। इंसेक्ट के केस में इंसेक्ट की डैमेज को हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं, जबकि माइक्रोब्स है वो डिजीज करते हैं तो उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके इन्फेस्टेशन को हम रोकने के लिए राइस और शुगर बोरर का यूज करते हैं, और इसके लिए DD-136 है जो निमेटोड की फॉर्मुलेशन है, कई बार पूछ भी लेते हैं। ये देखिए ये एंटम पैथोजेनिक निमेटोड है, ये किसी ये टर्माइट के ऊपर कई सारे निमेटोड्स दिख रहे हैं, क्योंकि निमेटोड्स जमीन में ही रहते हैं तो जो सबटेरेनियन इंसेक्ट है उनके लिए निमेटोड्स काफी इफेक्टिव रहते हैं। सो ये अगेन कोई ग्रब है इसमें दिख रहा है। तो आप ये देखिए दूसरी जो पिक्चर है इसमें कई सारे छोटे छोटे से आपको व्हाइट कलर के धागे जैसे दिख रहे हैं, सब निमेटोड है, एंटोम पैथोजेनिक निमेटोड है। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू प्रोटोजोअन्स, कई सारे प्रोटोजोअन्स भी हैं जिनका हम यूज करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे नोसीमा बोम्बाइसिस है वेल नोन ऑन सिल्क वर्म्स, सबसे पहले इसको सिल्क वर्म पे नोट किया गया था नोसीमा बोम्बाइसिस को, ये प्रोटोजोअन है। और वहां पर ये क्योंकि सिल्क वर्म बेनिफिशियल इंसेक्ट है तो वहां पर हमको इसको नोसीमा बोम्बाइसिस से फ्री चाहिए सिल्क वर्म्स। तो जब हम एग्स को लेते हैं कहीं से, उनको DFL बोलते हैं, डिजीज फ्री लेइंग सिल्क वर्म की, सो उसमें यही ध्यान रखा जाता है जो इंडस्ट्री डेवलप करती है सिल्क वर्म के एग्स कि उसमें नोसीमा बोम्बाइसिस का अटैक ना हो। सो लेकिन ये जो नोसीमा बोम्बाइसिस है इसके अलावा ये कई सारे दूसरे लेप्टोप्टेरेंस में भी इन्फेक्शन करता है, तो वहां पर हम इस प्रोटोजोअन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मेलपिग अमीबा लोकस्टी ग्रासोपर में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये निमेटोड है। फिर फ्रीनोसिस्टिस ट्राइबोलाई, ये ट्राइबोलियम कस्टेनियम, जो ट्राइबोलियम कस्टेनियम है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट है, तो उसके उसमें से ये रिपोर्ट हुआ है और इसका यूज भी हुआ है। और फिर जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं ये दिखा हुआ है नोसीमा के जो स्पोर्स होते हैं, अगर वो माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कलरफुल होते हैं, आपको देखें थोड़ा इरिडिसेंट जैसा दिख रहा है उसके स्पोर्स। सो ये नोसीमा के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्कोप में थोड़े से ब्लू इरिडिसेंट कलर के दिखते हैं, और अगर हम इसकी बॉडी को क्रश करें जो लार्वा है जिससे वो जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें से आपको इस तरीके के चावल जैसे, हालांकि बहुत छोटे होंगे लेकिन उसका जो शेप होगा जैसे राइस का शेप होता है उस शेप के आपको इरिडिसेंट ब्लू टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, तो वो नोसीमा के स्पोर्स होते हैं। अगर इन्फेक्टेड नोसीमा से इन्फेक्टेड आप कोई लार्वा आपको मिले और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाए, सिल्क वर्म में जब हम देखते हैं नोसीमा को तो हम उसकी बॉडी को क्रश करके जो फीमेल होती है तो तभी देखा जाता है। अगर उसमें कहीं हमको नोसीमा मिलते हैं तो फिर हम उसको उस पूरे स्ट्रोक से सिल्क वर्म नहीं लेते हैं, तो इससे हम पहचानते हैं, क्योंकि जो ये नोसीमा है ट्रांस ओवरियल डिजीज है। इससे क्या होता है कि ये एग्स में भी आ जाती है, अगर अडल्ट में डिजीज है तो ये एग्स के थ्रू पूरी प्रोजेनी में आगे आ जाएगी जनरेशन में। और फिर देखें तो ये अनइन्फेक्टेड लार्वी है और ये इन्फेक्टेड लार्वी है, ऊपर की तरफ आगे देखें तो लेप्टोप्टेरन ये बोरर्स के लार्वी हैं, तो इसमें आपको ये थोड़े से स्पॉट्स जैसे दिख रहे हैं इनसे हम पहचान सकते हैं कि इन्फेक्टेड है। और लार्वी डिजीज होने से वो सल्गिस हो जाते हैं, नॉर्मली फीडिंग बंद कर देते हैं, तो उनसे हम कई बार पहचान सकते हैं कि ये इन्फेक्टेड है। और आपको इस तरीके के अगर फिर इन्हीं से इन्फेक्टेड लार्वी से ही हम ये सब लैब बायोपेस्टिसाइड्स बनाती हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। और ये पेस्टिसाइड्स क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं मैं आपको बताया, और ये
बहुत इनको हमें हाई प्रायोरिटी पे यूज करना चाहिए, स्पेशली जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होते हैं। फिर देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, जैसे एक पार्थेनियम जो गाजर घास होता है, कांग्रेस घास भी बोलते हैं उसको, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक इंसेक्ट यूज करते हैं जो बीटल होता है, जैगोग्रामा बाइक्लोराटा। तो जैगोग्रामा जो बाइक्लोराटा है वो जैगोग्राम बाइक्लोराटा को मैक्सिको से इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में, मैक्सिकन बीटल भी इसलिए बोलते हैं इसको, और ये इफेक्टिव है अगर हम इसके साथ साथ दूसरी मैकेनिकल कंट्रोल या सब चीज भी करें, और तो ये इफेक्टिव है। और ये इसको हमने एक एग्जाम्पल है भी। और फिर वाटर हैसिंथ को हम कंट्रोल करने के लिए न्यू चेटिना ब्रूची और न्यू चेटिना एक हॉर्निका यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही प्रिकली पियर जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ओपन ओपनसिया डिलेनी, तो इसके लिए हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। फिर इसके अलावा बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो प्लांट को फीड करते हैं, जो प्लांट आप जानते हैं वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारे जो मेन क्रॉप्स होती हैं, मेन प्लांट्स होते हैं, उनको नुकसान हो जाते हैं। तो उनके लिए कई सारे आप इसमें देख सकते हैं इस स्लाइड में जो लिखे हुए हैं। फिर दूसरा है केमिकल मेथड्स। तो आप देखें हम केमिकल मेथड्स का हम यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि या तो हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया में दूसरा कोई ऑर्गेनिक या बायपेस्टिसाइड अवेलेबल नहीं है, या फिर कई बार हमको एकदम से कंट्रोल चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है इंसेक्ट पेस्ट की, तो उसके केस में हमको प्रायोरिटी देनी पड़ती है केमिकल मेथड की। इसलिए ही अभी तक इतना हार्मफुल इफेक्ट होने के कारण भी केमिकल मेथड कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और आज भी ये कंट्रोल स्ट्रेटेजी में सबसे नंबर वन होते हैं। हम कितना भी बायोपेस्टिसाइड्स कह लें, लेकिन जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके केस में हमको, और बहुत ज्यादा कोई इंसेक्ट पेस्ट ऐसे होते हैं कि वो उनका कोई बाय कंट्रोल एजेंट भी नहीं है, तो उसके केस में हमको केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। और केमिकल मेथड्स के जो प्रॉपर्टी ये है कि एक्यूरेट आपको कंट्रोल देते हैं और क्विक कंट्रोल देते हैं आपको, और इसको यूज करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं होती, इजी होता है इनको कंट्रोल कर इनको यूज करना भी। जबकि आप दूसरे बाय कंट्रोल एजेंट्स हैं उनको उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी एक्यूरेसी ये सब चीजें में वैरी करती है, तो इस कारण से कई बार हमको केमिकल मेथड्स का ही यूज करना पड़ता है। सो इसमें कौन से केमिकल्स हैं, जैसे एनिमल ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड है, जैसे नेरिस टॉक्सिन है, ये मैरीन एनलीड से लिया गया है, लुम्बरी नेरिस हेट्रोपोडा ये मैरीन एनिलीड है और एनिलीडा ग्रुप में आता है, तो इससे नेरिस टॉक्सिन जो है इससे लिया गया है, और इसको फिर हमने पेस्टिसाइड, इसका बायो पेस्टिसाइड डेवलप कर लिया है, बायो इंसेक्टिसाइड, और उसको नाम दिया है कारटाप हाइड्रोक्लोराइड। तो काफी इफेक्टिव रहता है बोरर्स के केस में, जो लेप्टोप्टेरेंस बोरर्स होते हैं वो बहुत सारे क्रॉप्स के ऊपर बोरिंग करते हैं, उसमें बोरिंग करके उनकी जाइलम को काट देते हैं और उससे जो पूरा प्लांट सूख जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए नेरिस टॉक्सिन या कारटाप हाइड्रोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। फिर दूसरे इंसेक्टिसाइड हैं जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, जैसे डीडीटी बीएचसी, हालांकि बैन हो चुके हैं, लेकिन पहले जब ये इंसेक्टिसाइड्स आए थे कभी, तो इन्होंने भी इनके फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए इनका भी काफी योगदान रहा है। लेकिन बीएचसी को और डीडीटी, इस पे बीएचसी को हम कुकरबिटेसियस क्रॉप में इनको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसको यूज करने से वहां पर फाइटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उसमें। हालांकि आजकल तो बैन हो गए डीडीटी और बीएचसी, ये अवेलेबल ही नहीं है। फिर दूसरा ग्रुप है साइक्लोडाइन कंपाउंड्स। साइक्लोडाइन कंपाउंड्स में जैसे एंडोसल्फान है, एंडोसल्फान, एंड्रीन, एल्ड्रीन, बहुत सारे है, और ये फैट में, ये हमारी जो बॉडी है उसमें जो फैट है उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये भी बैन हो चुके हैं। कई बार ये छोटे जो इन्फेंट बेबी होते हैं उनकी बॉडी से भी इनके रेजिड्यू मिलते हैं, सो क्योंकि फैट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मदर से इन्फेंट बेबी में आ जाते हैं, सो इसलिए इनको भी टोटली बैन कर दिया गया है साइक्लोडाइन कंपाउंड में, एंडोसल्फान को। और कभी ये बहुत यूज हुई है, बहुत पॉपुलर थे एंडोसल्फान, आपने सुना भी होगा इसका नाम,
लेकिन आजकल ये बैन हो गए हैं। फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आजकल काफी यूज में है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में जैसे मेलाथियोन है, पैराथियोन है, डीडीबीपी है, स्राडान है, और बहुत सारे इसके इंसेक्टिसाइड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, और ये सिस्टमिक नेचर के होते हैं। इंसेक्टिसाइड तीन तरीके के होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नेचर के होते हैं, एक सिस्टमिक होते हैं, और जो इस कॉन्टैक्ट होते हैं वो बॉडी इंसेक्ट की बॉडी पे कॉन्टैक्ट आने से ही उसके उसको किल करेंगे। अब आप ब्रॉडली भाषा में समझे। और जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं वो जो उनको हम सोयल में या जो प्लांट है उसके ऊपर छिड़कते हैं, तो प्लांट के अंदर जाएगा, अगर सोयल में है तो जाइलम के थ्रू प्लांट में जाएगा ऊपर, और उसके बाद फिर वो पूरी लीफ में या पूरी प्लांट सैप को टॉक्सिक कर देगा कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए। और जैसे ही वो इंसेक्ट उसको फीडिंग करेंगे तो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर जाकर वो एक डिफरेंट उसका पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन होगा, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम को या नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करके वो इंसेक्ट को किल कर देगा। तो ऐसे कार्बामेट्स हैं, जो कार्बामेट्स जो होते हैं ये भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे आपने सेविन सुना होगा, या मिथाइल आइसोसियानेट जो सुना था, जो भोपाल ट्रेजिडी है, वो उसमें जो इंसेक्टिसाइड डेवलप होते वो इसी ग्रुप के थे, कार्बामेट्स के। फिर सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स, जो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स हैं ये साइनेरियम पायरेथ्रम साइनेरीफोलियम एक स्पीसीज होती है, जो गुलदाउदी आपने पेड़ देखा है तो उसी की ग्रुप की एक ये प्लांट है, उसी से ये पायरेथ्रॉइड सबसे पहले उसी में ऑब्जर्व किए गए थे उसके फ्लोवर्स में, और फिर उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके उसको हमने बहुत सारे सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स डेवलप कर लिए हैं। तो जो साइपरमेथ्रीन और टीलोमेथ्रीन, बहुत सारे तरीके के जिनमें थ्रीन आता है, वो इंसेक्टिसाइड्स वो सारे सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स ग्रुप में आते हैं। जो आप ऑल आउट में इंसेक्टिसाइड देखोगे उसमें भी कुछ थ्रीन लिखा रहेगा इंसेक्टिसाइड में, तो वो जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो सारे सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड में ही आते हैं। ऑल आउट वाला जो इंसेक्टिसाइड है, जो मॉस्किटो को भगाने के लिए यूज होता है, रिपेल करने के लिए यूज होता है, वो भी इसी से आता है। और ये इनका इम्पैक्ट होता है नोकडाउन इम्पैक्ट। जैसे ही कैसे पहचानेंगे कि इनसे जो इंसेक्ट है, आप देखा होगा कभी कॉकरोच, कभी हम जब ऑल आउट वगैरह छिड़कते हैं तो उसमें भी यही रहता है। तो ऑल आउट सॉरी जो हीट होता है, ब्लैक हीट, तो जैसे वो यूज करते हैं हम हीट, तो उसमें भी ये सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड का इंसेक्टिसाइड रहता है, तो नॉकडाउन इफेक्ट होता है इनका। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो इंच कॉकरोच है, कॉकरोच को एक्सपोज हुआ इसका इंसेक्टिसाइड का, तो वो जो उनकी बॉडी से उलट जाते हैं। जैसे नॉकडाउन का मतलब होता है चित हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो रेसलर्स होते हैं वो एक दूसरे को गिरा देते हैं, तो ऐसे कॉकरोच के अगर आपको दिखे तो समझ जाइए कि वो उसको इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट हो गया है। सो ये ऐसे इम्पैक्ट होता है इसका, इस तरीके का, इसको नोकडाउन इफेक्ट बोलते हैं। वो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड्स का एक सिम्टम है ये। फिर ये फॉर्माइडिन्स हैं, ये ओविसाइडल एक्टिविटी होती है ये एग्स को किल करने के लिए, तो एग स्टेज में हम इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। फिर निकोटिनोइड्स होते हैं। नियोनिकोटिनोइड्स जो होते हैं ये सिंथेटिक एनालॉग ऑफ निकोटीन, जो निकोटीन होता है उसके सिंथेटिक एनालॉग होते हैं, तो इनका भी यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है इमिडाक्लोप्रिड, ये भी काफी पॉपुलर है आजकल। तो आजकल जो यूज होने वाले इंसेक्टिसाइड है उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, बहुत बड़े ग्रुप हैं, लेकिन आपके कोर्स में इनको सबको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर कार्बामेट्स हैं और सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स हैं। कार्बामेट्स और सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स ये प्लांट से पहले इनका यूज इनका लिया गए हैं, इनके जो पहले सबसे पहले इनके एल्कलोइड्स को जो कार्बामेट्स के और सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए हैं, और उसके बाद उनके सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स को डेवलप किया गया है। रिसेंट मेथड्स लिखे थे। रिसेंट मेथड्स में हम फेरोमोन्स का यूज करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट के फेरोमोन्स डेवलप हो गए, जैसे येलो स्टेम बोरर है राइस का। येलो स्टेम बोरर राइस का जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है उसका फेरोमोन डेवलप कर लिया, तो उसके जो फीमेल फेरोमोन्स होते हैं उसका सिंथेटिकली हमने उसको डेराइव कर लिया है, सिंथेसाइज कर लिया है, और उसको फिर हम जब वो फेरोमोन है उसको सिंथेटिक फेरोमोन है, हम उसको एक डिस्पेंसर में लगा के एक कप जैसा डिवाइस होता है येलो कलर का, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंसेक्ट येलो से अट्रैक्ट होते हैं,
प्लस उसमें वो जो डिस्पेंसर है उसमें फेरोमोन है, तो फेरोमोन फेरोमोन डिस्पेंस होता रहता है एनवायरमेंट में, और उससे जितने भी मेल इंसेक्ट होंगे वो सारे, क्योंकि फेरोमोन जो है स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो उसके अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो इसमें सिंथेटिकली हमने डिवाइस कर लिया उसको फेरोमोन को येलो स्टैम्प बोल रखे, तो वो उस जिस सारे मेल है उस जो एक कप जैसा स्ट्रक्चर है उसमें पोली बैग लगा रखते हैं नीचे, तो सारे उसके अंदर जितने मेल हैं उस एरिया के वो उसके अंदर जाने लगते हैं, और उसे अगर हम इसको कम्युनिटी एक पूरे एरिया में यूज करें कम्युनल बेसिस पे, तो कम्युनिटी बेसिस पे, तो आप इसको काफी इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे कीमोस्टूलेंट्स हैं जो केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट को स्टराइल कर देते हैं, उनका यूज किया जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको जीएम क्रॉप्स बता दिया है उनका यूज किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन, तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट का। और मेरे ख्याल और कुछ इंसेक्टिसाइड्स हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रिपेयर किए हैं कई साइंटिस्ट ने, जैसे एवरमेक्टिन्स हैं, इनको सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइसीलिया से, स्ट्रेप्टोमाइसिस के माइसीलिया से हमने आइसोलेट किया है इसको, एवरमेक्टिन्स बोलते हैं इनको। और इसके साथ साथ स्पाइनोसिन्स हैं, स्पाइनोसिन्स को भी बैक्टीरिया से सेकेरोपोलिस्पोरा स्पाइनोसा से इसको आइसोलेट किया है, और इसको स्पाइनोसाइड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल रहता है। ऐसे मिल्बेमाइसिन्स हैं, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपियस है, और ये माइट्स और एफिड्स के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव हैं। डाइब्रोक्टीन्स हैं, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सेरस इफेक्टिव अगेंस्ट कोलोराडो पोटैटो बीटल, डाइब्रोक्टिका, अंडेसिम पंक्टाटा, ये इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। सो ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया गया पेस्ट के लिए, काफ़ी इंसेक्ट पेस्ट में काफ़ी ये कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि कई चीज़ों का कोऑर्डिनेशन, एक साथ उनको करना। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है कल्चरल प्रैक्टिसेस से लेके केमिकल मेथड्स तक, इनको हम इनमें से हम कौन सा मेथड यूज़ करें, सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा रहेगा हमारे जो फील्ड प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट सबसे अच्छा किससे कंट्रोल हो पाएगा जिससे कि इकोनॉमिक भी हो वो, और वो पेस्ट को कंट्रोल भी अच्छे से करे, तो ये हमको डिसीजन लेना होता है इनमें से कौन सा। और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमको केमिकल मेथड को हमको लास्ट में चुनना होता है, जब हमारे पास दूसरी जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल ना हो या इफेक्टिव ना हो तब लास्ट में हम केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। और केमिकल मेथड्स में भी हम कई सारे तरीके के इंसेक्टिसाइड होते हैं जो रेड कलर वाले, जो आप देखते हैं पैकेट में रेड जिसमें रहता है, वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, उनकी LC50 बहुत ही कम होती है, और जिनकी LC50 कम होगी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। सो ये LC50 के बेस पे तीन चार तरीके के इंसेक्टिसाइड बने हैं, तो जो ग्रीन वाले होते हैं, ग्रीन वाले सबसे लिस्ट टॉक्सिक होते हैं नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए, हम उनको यूज़ करते हैं। अवेलेबल ना हो तो फिर येलो वाले यूज़ करते हैं, येलो कलर के इंसेक्टिसाइड, अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो तब उसके बाद ब्लू कलर के, और वो लास्ट में जब कोई अवेलेबल ही ना हो तीनों में से तो फिर आप रेड कलर के जो जिस पर रेड लेबल लगा हुआ है उस इंसेक्टिसाइड को लास्ट में ही यूज करेंगे, और केमिकल्स को हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं जब दूसरे कंट्रोल स्ट्रेटजी इफेक्टिव ना हो या अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द टेक्निक्स टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट इन सच ए वे सो दैट वी कैन कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट इन ए इकोनॉमिक वे।